नमस्कार दोस्तों, आवसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। इसे आप बच्चों के स्वेटर में या लेडीज प्रोजेक्ट में या जेंट्स स्वेटर में भी डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए फंदों का कोई बंधन नहीं है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कितने भी फंदे डाल सकते हैं। तो मैंने 13 फंदे डाले हैं। डिजाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप ढेर सारे डिजाइन देखना चाहते हैं तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिजाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। तो पहली लाइन में हमने अपने प्राइमरी कलर के ऊन से ही सभी फंदे सीधे बुन लिए। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो हम सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो हमने दो लाइन बुन लिया और ये हमारे डिजाइन का बेस तैयार हो गया। तो हमने दो लाइन कंप्लीट कर लिया। तीसरी लाइन में हम अपना सेकेंडरी कलर अटैच कर लेंगे और यहां से हमारा डिजाइन शुरू होता है। तो ये हमारा डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से, और अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, अगला फंदा सीधा, नेक्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। तो एक फंदा स्लिप करते हुए और अगले फंदा सीधा बुनते हुए हमने पहला लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड, तो हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर उनको अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हम अपनी ओर कर लेंगे। एक फंदा हमें सीधा बुनना है, जो बुना हुआ फंदा है उसे हमें सीधा बुनना है और अगले फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी ओर कर लेना है। अगला फंदा देखिए बुना हुआ फंदा है, तो इसे हमें सीधा बुनना है, नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है, तो स्लिप करने से पहले हम उनको अपनी ओर कर लेंगे, स्लिप किया, उन दूसरी ओर, नेक्स्ट फंदा सीधा। तो इस तरह हमने एक फंदा सीधा बुनते हुए, एक फंदा स्लिप करते हुए दूसरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से, और हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से। अब देखिए ये फंदा हम दूसरे रंग का जो फंदा है उसे हम सीधा बुनेंगे, और ये जो प्राइमरी कलर वाला फंदा है यानी जो हमने पहले स्लिप किया था उसे वापस स्लिप करेंगे। अब ये जो सेकेंडरी कलर वाला फंदा है इसे सीधा बुनेंगे, प्राइमरी कलर वाला फंदा स्लिप करेंगे, यानी बुना हुआ फंदा हमें सीधा बुनना है और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, बुना हुआ फंदा सीधा, स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है। तो बुने हुए फंदे को सीधा बुनते हुए और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करते हुए हमने तीसरी लाइन कंप्लीट कर लिया, और चौथी लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, बुने हुए फंदे को और स्लिप किए हुए फंदे को, सभी फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे।
अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से और अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और देखिए ये जो दूसरे रंग का ऊन है इसे हमें सीधा बुनना है। और देखिए ये हमने पहली लाइन में सीधा बुना था तो अब की इसे हमें स्लिप करना है, यानी जिस पर डिजाइन बना है उस पर हमें उसको हमें स्लिप करना है और जो जिस पे डिजाइन नहीं बना है उसी पे हमें सीधा बुनना है। देखिए ये इसी कलर का ऊन है तो इसे हम स्लिप करेंगे। ये देखिए इस पर डिजाइन नहीं बना है, ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे हमें सीधा बुनना है। यानी पहले लाइन का ये अपोजिट रहेगा, जो बुना हुआ फंदा है उसे स्लिप करना है, जो स्लिप किया हुआ फंदा था उसे बुनना है। ये देखिए बुना हुआ फंदा था इसे हमें स्लिप करना है और देखिए इस फंदे को हमने स्लिप किया था तो इसे हम सीधा बुनेंगे। बुना हुआ फंदा है इसे स्लिप करना है, ये स्लिप किया हुआ फंदा है इसे बुनना है। लास्ट फंदा बुना हुआ था इसे हम स्लिप कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला फंदा देखिए स्लिप किया हुआ है इसे स्लिप करेंगे और ये बुना हुआ फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ऊन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, ऊन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। ऊन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, ऊन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। ऊन अपनी ओर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करना है, ऊन दूसरी ओर बुना हुआ फंदा सीधा। हमें एक फंदे को बुने हुए फंदे को सीधा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हमें अपनी तरफ कर लेना है। तो इस तरह ये छठा लाइन कंप्लीट होता है। सातवां लाइन और सामने से और अपने प्राइमरी कलर के ऊन से। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है तो इसे स्लिप करना है, ये देखिए बुना हुआ फंदा है तो इसे वापस हमें बुनना है। स्लिप किया हुआ फंदा इसे स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को वापस सीधा बुनना है। स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, बुने हुए फंदे को वापस सीधा बुनना है। जिस फंदे को हमने स्लिप किया है उसे वापस स्लिप करना है और जिस फंदे को हमने बुना था उसे ही वापस सीधा बुनना है। तो इस तरह हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है। आठवें लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो आठवें लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बना लिया। देखिए फ्रेंड्स डिजाइन बनके तैयार है। आठ लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है। डिजाइन आपके सामने है, देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, छोटी छोटी बूटी का ये खूबसूरत सा डिजाइन, बनाने में आसान और बेहद खूबसूरत। इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी आपके प्रोजेक्ट की खूबसूरती को बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।